अभी वो पूरी तरह से उस रूप में नहीं आया, लेकिन 10 से 15 दिन में वो पूरी तरह उस रूप में आ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोई पार आ गई मेरे अंदर, कोई शक्ति जो मुझे बता रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मतलब मेरा शक सही था, नीरू का कातिल राहुल। दादी जी, आपकी दवाई। दवाइयां तो मुझे खिला रही है, लेकिन बीमार तो खुद दिखाई दे रही है। हाँ नहीं दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी जगह मैं होती ना, और तेरे दादाजी किसी दूसरे के यहाँ एक रात टिक के आते, तो मैं तो उनका घर में टिकना मुश्किल कर देती। तू गई थी ना राहुल के पास उसे लाने, क्या हुआ वहाँ? वो दादी, मैं जब अवंती के घर पे गई थी तो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और राहुल बाथरूम में था। अवंती उसके चेहरे से कुछ हटा रही थी, शायद कोई गंदगी होगी। गंदगी क्या साफ करेगी वो? अरे गंदी तो वो खुद है, खसमनु खानी मर जानी। अरे तुझे ना ऐसा करना चाहिए, पंजाबी में मोटी मोटी गालियां देकर आती उसे। पर तू कहाँ देगी पंजाबी में मोटी मोटी गालियां, तू तो ठहरी बंगालन। दादी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। हाँ तुझे तो सब पता चलता है ना यहीं बैठे बैठे है? अरे वो यहाँ से घर से पूरे कपड़े पहन कर गया था ना राहुल, तो फिर वहाँ नंगा कैसे हो गया बता मुझे। नहीं दादी, वैसा भी कुछ नहीं था, अवंती ने मुझे बताया। उसने कहा और तूने मान लिया? अरे पूरी गऊ है तू, मेरी बात सुन। आदमियों को ना उतनी छूट देनी चाहिए जिसमें वो हमारे कंट्रोल में रहे। तुझे कान खींच कर लेकर आने चाहिए थे उसके। क्या हुआ दादी? वो अगर अगर मैं ऐसा कुछ करती तो राहुल को ये लगता कि मैं जेलस फील कर रही हूँ। हाँ हो रही हूँ जेलस। अरे बीवी है तू उसकी, उसको बोल दे हाँ मैं जल रही हूँ, और सामने वाले को भी ना जला के खाक कर दूंगी अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो। हाँ दादी पर। अरे पर ही तो काट लिया उसके। पढ़ा आया बहुत बिगड़ता जा रहा है वो। तू जा अभी के अभी जाकर उससे बात कर, चल जा। तू जाकर राहुल का इलाज कर, और मैं उस मरजानी अवंती का इलाज करने की कोशिश करती हूँ। राहुल तुम बाथरूम में क्यों थे? मतलब वो तुम्हारे चेहरे के पास क्यों थी, वो हाथ क्यों लगा रही थी तुम्हें राहुल? वो एक्चुअली मैं टोस्ट खा रहा था जैम लगा के, वो जैम लग गया था तो वो साफ कर रही थी, लेकिन इतना करीब नहीं थी वो मेरे। हाँ राइट, पागल तो मैं ही हूँ ना, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम ना राहुल। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें क्या हो? नहीं मतलब हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है ना मानवी, तो मैं कुछ भी करूं, बाथरूम में घूमूं, जैम लगा के खाऊं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जेलस हो रही? जेलस और मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों जेलस होने लगी? वो तो कल रात को। तो फिर कुछ नहीं है राहुल, और तुम ये स्टूपिड सा मुंह बनाना बंद करोगे तो फिर कैसा मुंह बनाऊं मानवी? ओफो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो राहुल, और मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ, तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। वो कल रात को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए पता है कितने परेशान थे, तुम एक फोन तक नहीं कर सकते थे राहुल। मम्मी जी और पापा, तुम परेशान नहीं थी? थी थोड़ी सी। थोड़ी सी? राहुल तुम बात को नहीं समझ रहे, तुम्हें पता है म्यूजिक कंपनी वाले कितने परेशान थे, पापा को उनसे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा। पहले तुम में एक अच्छी क्वालिटी तो थी कि तुम अपने म्यूजिक को लेके सीरियस थे, लेकिन अब तो तुम वो भी नहीं हो। ऐसे कैसे चले गए तुम राहुल, और वो भी खिड़की से कूद के? मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, और मुझे मुझे बस वहां से निकलना था, घुटन हो रही थी मुझे ऐसे।
I wanted open fresh air. तुम अपनी रिकॉर्डिंग को छोड़ के बाहर जाना चाहते थे? चलो ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन तुम ये बात बता के भी तो जा सकते थे ना राहुल, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अच्छा तो अब तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहते, ठीक है मत करो, ठीक है। I'm sorry. I am so sorry. मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। I swear, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने कुछ नीच हरकत की थी, किए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये एक्सीडेंट था। तो तुम दूर रहो। तुम टेंशन मत लो, मैं एक मिनट में ये ठीक कर दूंगा, एक मिनट में, ओके? राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? सुई धागा। हम ये मत पूछना कि मेरे रूम में क्या कर रहा था। सुई धागा? तुम मेरा ब्लाउज सिलोगे? Of course. कौन सा कोई बहुत बड़ा टास्क है? तो हल्के में मत लेना मेरे को। स्कूल में आर्ट्स एंड क्राफ्ट में सबसे ऊपर था मैं। एक बार निकल आया था, उसको कुछ स्कूल में गबर बनना था तो उसकी कॉस्ट्यूम मैंने खुद सिल दी थी। ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है? राहुल, तुम्हारे नेल कटर से तो तुम्हारी जान जाती है। आए बड़े सुई धागा, लाओ दो मुझे। राहुल, इट्स नॉट अ बिग टास्क। राहुल, मैंने कहा ना दो मुझे। मैं कर लूंगा, मेरे से गलती हुई है, मैं करूंगा। कर लूंगी राहुल। जाओगे या नहीं? जान कुछ करनी। जाओ राहुल। आ गए। सब ठीक हो जाएगा राज। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा सोनाली। हमारा हार में राहुल आओ ना। मॉम, डैड, वो मैं आप लोगों से माफी मांगने आया था। I'm very sorry about what I did today. क्यों बेटा? इस बात के लिए सॉरी? डैड, आई नो आप नाराज है, पर डैड जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे ना एक अजीब सी घुटन महसूस होने लग पड़ी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं था डैड। ऐसे पसीने आने शुरू हो गए और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। अगर मैं एक मिनट के लिए भी वहां और रहता ना डैड, तो मुझे लगता कि मेरा दिमाग फट जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा सर पकड़ के ना उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे खुली हवा चाहिए थी। और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा डैड कि मेरे साथ क्या हुआ। बाहर सब जगह सिक्योरिटी गार्ड थे, लोग थे, मैं रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से बाहर चला गया। मैं बाहर गया और मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझे कुछ याद तक नहीं है। आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैं क्या बोलूंगा? इट्स ओके बेटा, तुम एक आर्टिस्ट हो और शो से पहले ऐसी घुटन होना नॉर्मल है। मैं भी जब शो करता था तो एंजाइटी की वजह से ऐसा होता है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डैड, आप एंग्जाइटी की वजह से शो छोड़ के तो नहीं जाते थे, स्टेज से उतर के तो नहीं चले जाते थे। आपने हमेशा मुझे प्रोफेशनलिज्म सिखाई है सिंगिंग को लेके, अपने करियर को लेके, लेकिन पता नहीं डैड मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आई एम जस्ट नॉट माई सेल्फ। आज मेरी वजह से आपको उन नए लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ा। वेरी सॉरी डैड। राहुल, डैड ने कह दिया ना इट्स ओके, और प्रोड्यूसर्स की चिंता तुम मत करो। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, सब ठीक था, कोई नाराज नहीं था बेटा, सब मैनेज हो गया। सब मैनेज हो गया? कैसे? गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी, तुम्हारी जगह मानवी ने गाया और प्रोड्यूसर्स को उसकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन लोग तो तुम्हारे बारे में कंप्लेन ही नहीं किया। एवरीथिंग वेंट परफेक्टली ऑल राइट। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और मैं क्या क्या सोच रहा था। आप मॉम, डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगा। सॉरी। मेरा बच्चा, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये उस गलती की माफी मांग रहा है जो इसने की नहीं है। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि ये
ये अपने प्रॉमिस को कभी निभा नहीं पाएगा। हो गया मानवी, मैं आऊं? हाँ राहुल, आ जाओ। अच्छा लग रहा है, एकदम as good as new हो गया, very nice। हाँ राहुल, सिल्की ब्लाउज ब्लू से गोल्डन हो गया, देखो। चेंज किया है, बुद्धू कहेंगे। सॉरी, अच्छा लग रहा है इस साड़ी के साथ। एक्चुअली ये ब्लाउज ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई एम टेलिंग यू। वो मुझे भी मॉम डैड ने बताया कि मेरे जाने के बाद तुमने वहां पे गाना गाया और सारी सिचुएशन कंट्रोल में कर ली। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ गाना ही नहीं चाहती हो, बट यू शुड, यू नो, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है मानवी। तुम्हें लीड सिंगर होना चाहिए, मैं कब से बोल रहा हूँ। मैंने बस इसीलिए गाया ताकि घर वालों की इज्जत बाहर वालों के सामने बनी रहे। अगर मैं नहीं गाती तो वो लोग नाराज हो जाते रहो, वो मैं नहीं चाहती थी। Really? मतलब मेरे मॉम एंड डैड की रेपुटेशन के लिए मेरे लिए किया तुमने ये सब? That's very sweet of you, man. You know, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम उतनी भी चुड़ैल टाइप की नहीं हो जितनी लगती। मतलब, क्या? मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? ऐसे जब मुंह बनाती हूँ मुझे डांटने के लिए आंखें फाड़ फाड़ के तो बिल्कुल चुड़ैल लगती। तुम तो रहने ही दो राहुल, तुम मुझ में नुक्स निकाल रहे हो। तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुम में एक गुण नहीं है जो इंसानों वाला, एक नंबर के जानवर हो तुम, जंगली जानवर। क्या क्या बोला तुमने? जानवर, जंगली जानवर। राहुल, तुम क्या कर रहे? राहुल, मैं मजाक कर रही थी, छोड़ो। जानवर नहीं बोल रहा मुझे। राहुल, तुम जानवरों जैसी हरकत। राहुल, मैंने कहा मुझे छोड़ो। जानवर मत बोलना मुझे। तुम पागल हो गए हो? मुझे कभी जानवर मत बोलना जिंदगी में, समझ गए तुम? राहुल, तुम क्या कर रहे हो? राहुल, मुझे दर्द हो रहा है। राहुल, प्लीज छोड़ो। राहुल, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो? राहुल, तुम ये क्या कर रहे थे? राहुल, राहुल यहां से जाओ। मैं चाहता हूं कि दिन के 24 घंटे राहुल और अजय पर नजर रखी जाए। वो कहां जाते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ, खासकर राहुल की। रजा, तुम राहुल पर नजर रखोगे और अशोक, तुम अजय पर। और हाँ, अजय के बारे में मुझे ये जानकारी चाहिए कि वो सबरवाल फैमिली में कब कहां किससे मिलता है। और अगर उसने राहुल को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला है तो उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो उसने ऐसा क्यों किया। आई वॉन्ट प्रूफ। और जब भी वो सबरवाल फैमिली से मिलेगा आप मुझे फोन करेंगे। मैंने आप दोनों को अलग इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सो बी केयरफुल, किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। और खास ख्याल रखिएगा कि मीडिया तक ये बात तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर मीडिया को ये बात पता चल गई कि हम सबरवाल पर शक कर रहे हैं तो ये बात फ्रंट पेज न्यूज बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे और मिनिस्ट्री तक बात पहुंचेगी। सो बी अलर्ट एंड एक्टिव। थैंक यू सर। इतना तो बिल्कुल जानता हूं कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो राहुल, पर क्या उसका पता मैं लगा कर ही रहूं? नो मिस्टेक्स। एग्री।
राहुल आप यहाँ? एक्चुअली मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता था। जो कल मैंने किया वो बहुत अनप्रोफेशनल, मैं यूजली ऐसा करता नहीं हूँ, बट कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इट वॉज अनरियल, और ऐसी हालत में मैं वैसे भी गा नहीं सकता था, तो मुझे वहां से जाना पड़ा, बट मुझे आपको बताना चाहिए था, मेरी गलती। That's okay, Mr. Rahul. अब आपकी तबीयत कैसी है? Are you fine? Much better. Rahul, we are sorry, पर एक बुरी खबर है। हाँ, मैं एक्चुअली वैसे ही बिहाइंड शेड्यूल चल रहे थे और आपका वेट नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस एल्बम के लिए किसी और सिंगर को साइन कर लिया। That's absolutely cool. मुझे कोई शिकायत नहीं है, I completely understand. मेरी गलती, मेरा लॉस है, बट मैं यहाँ सिर्फ आपसे अपोलोजाइज करने आया था। एक और बात, I was hoping कि आप मेरी वाइफ को एक चांस जरूर दें। शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर, आपने सुना ही था कल, इनफैक्ट मानवी मुझसे भी अच्छा गाती है। उन्हें हम जरूर रखना चाहेंगे और शायद बहुत जल्दी आप दोनों के साथ इकट्ठे भी काम कर पाएंगे। That'd be brilliant. मैं चाहूंगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक एल्बम लॉन्च करूँ। If you don't mind, क्या मैं जान सकता हूँ आपने किस सिंगर को लिया? Sorry Rahul, अभी डील फाइनल हो रही है, इस वक्त नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। That's alright. In fact, कोई भी हो, I wish him luck. I wish you guys luck. And मैं अपने फैंस को बोलूँगा कि आपकी ये एल्बम को सपोर्ट करें, right? From the bottom of my heart. Thank you. हम ये बात कब तक छुपाएंगे राज? अरे तुम मुझसे पूछ रही हो ये बात? हाँ, तुम खुद जानती हो हम राहुल से कुछ नहीं कह सकते। तुम जानती हो ना इसका क्या असर होगा उस पे? वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम्हें लगता है हैंडल कर पाएगा? मैं जानती हूँ वो हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें तो कुछ करना होगा ना राज। अगर कुछ कुछ बुरा हो गया तो, अगर कुछ बहुत बुरा हो चुका हो तो। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन बगैर किसी हल के हम राहुल से कुछ नहीं कह सकते। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो ऑलरेडी इतना परेशान है, कैसे कहूं उसे कि वो धीरे धीरे सोनाली मैं उसे कैसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा पापा मैं तो वो क्या वो हाँ छुप छुप के बातें सुन रही थी हमारी। उपमन्यु की बेटी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? दोनों बाप बेटी की हर बात में टांग घुसेड़ने की आदत जो है, ये तो सीखा ही तो मुझसे। तुम दोनों बाप बेटी को इसके अलावा कोई और काम है? उसने वैसे भी तुम्हें यहाँ भेजा तो इसीलिए, ताकि हमारी पर्सनल बातें सुन के तुम यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा सको। तुम लोग बदले के अलावा कुछ और सोच सकते हो क्या? नहीं पापा, मैं यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आई थी। मैं तो वो मेडिसिन, वो एंटीसेप्टिक लेने आई थी। ये मासूम होने का नाटक मेरे सामने मत कर। ये बहाने मेरे पे नहीं चलेंगे। तू जिस कंगले घर से आई है ना, वहां पे ये प्राइवेसी नाम का ये लॉजिक वहां नहीं चलता होगा। लेकिन हमारे घर में हर इंसान को उसका स्पेस दिया जाता है और उसके स्पेस की इज्जत की जाती है। इसलिए तुझे वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद अगर इस घर में तांग झांग करती हुई पाई गई ना, तो जहां से आई है ना वहीं भेज दूंगा। कीजिए राज, आप कुछ भी कह देते हो उसे। कुछ भी कह देता हूं मैं, अगर उसने हमारी सारी बातें सुननी होती तो। मैं देखती हूं। मां, मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। मैं कोई जासूसी करने नहीं आई थी। मैं जानती हूँ मानवी, मैं सब जानती हूँ। तुम तो जानते हो राज का गुस्सा कैसे, जो मन में आए बोल देते हैं, कुछ कुछ सोचते नहीं है। प्लीज बुरा मत मानो, मैं उनकी तरफ से। मम्मी जी नहीं, प्लीज आप माफी मत मांगिए। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना, क्या हुआ? अब मैं आपकी बातें नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे सुनाई दे गई। राहुल को कुछ हुआ है मम्मी जी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है।
प्लीज बताइए ना, क्या हुआ है उसे? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। राज थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है ना राहुल के बारे में। राहुल ने कह दिया था कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो राज थोड़ा परेशान हो गया था। वैसे कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। मम्मी जी, कुछ दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, राहुल हमेशा खोए खोए से रहते हैं। पहले मुझे लगा कि शायद वो बीमार है, लेकिन नहीं, उसने आपको कुछ बताया है कि उसे क्या प्रॉब्लम है? हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं मम्मी जी। लो, क्या राज कम थे तो तू भी शुरू हो गई। अरे बेटा, इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। शायद काम के स्ट्रेस की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होगा। अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन कर दूंगी डॉक्टर को। ये ले, तू ऑइंटमेंट लेने आई थी ना। थैंक यू मम्मी जी। अरे ये कैसे हो गया? कहीं राहुल ने? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही चोट लग गई। खाओ ऐसे। ला, मैं लगा देती हूँ ऑइंटमेंट। नहीं मम्मी जी, मैं ले लूँ। बोला ना, मैं लगा देती हूँ। देख मुझे। मुझे माफ करना मानवी, मैंने तुमसे झूठ कहा, पर सच कहने की हिम्मत ना अब भी मुझ में है, न शायद सुनने की ताकत तुम में होगी। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम जिसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही हो, वो जानवर बनता जा रहा है। मुझे माफ करना मानवी।